मैं पुरानी गाड़ी की तरफ जाऊंगा, ऑफ कोर्स उसके फीचर्स और स्पेक्स जो हैं वो बेहतर होंगे एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो। ऑल्टो सिंपली लाइक कि वो एक टीन डब्बा है और उसमें कुछ भी नहीं है, और जिस रेट पे वो अब मिल रही है वो बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं है, बट आई कंसीडर। तो 20 लाख एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एज़ कम्पेयर जब आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आई वुड गो फॉर के मैं CL9 को रिस्टोर करूँ या BMW की तरफ जाऊँ। क्या बात कर दिया आपने, मतलब आप वो वाले गए हैं जो रिस्टोरेशन वगैरह की तरफ जाएगा। वैसे बड़ी अच्छी आपने बात की कि जो अकॉर्ड है आपको आराम से CL7 CL9 आपको इस रेंज के अंदर जी बिल्कुल मिल जाती है। और सर मुझे ये बताएं कि आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मार्केक्स, ऑफ कोर्स मार्केक्स जो है वो रेयर व्हील होने की वजह से वो ड्रीम कार है, मतलब बट वो जिस बजट में अब चली गई है तो वो ड्रीम ही बनती जा रही है, बट इंशाल्लाह करेंगे। अभी भी आपको वैसे 25 की रेंज में आप पार्कवेज पे जाके चक्कर मिल जाएगी? वो मिल जाती है, लेकिन जैसा आपको आइडिया हो गई है BBN का आप लोगों ने किया था, हाँ हाँ, तो जो उनके साथ सीन है 25 में फिर वो वाली मार्केट्स मिल रही है। सर ये थोड़ा सा जो रजिस्ट्रेशन होती है ना वो आपको मेहरान भी रुलाने पे है ना वो रुला देती है।